गाइस मुझे पता है आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आपका एक ही रीजन होगा कि आप अपने जब भी अपने पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट करने जा रहे हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप का एक एरर आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पेटीएम वॉलेट इज करेंटली अनअवेलेबल। एंड गाइस इसके इस प्रॉब्लम के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो देख रखा है, बट गाइस अभी तक आपका जो ये प्रॉब्लम आ रहा है इनएक्टिवेट वाला, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है मुझे पता है। बट गाइस आज आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो आप टेंशन ना लो, बस गाइस आप इस वीडियो को एंड तक देखो। आज मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा इस जो प्रॉब्लम आ रहा है पेटीएम वॉलेट इज करेंटली अनअवेलेबल, आज की इस वीडियो में आज इसको फिक्स आउट करने वाले हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। गाइस अगर इस वीडियो को छोड़ के चले जाते हो तो मुझे पता है आपका जो ये प्रॉब्लम आ रहा है कभी भी फिक्स आउट नहीं होने वाला, तो आपको आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखते हो ना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि जो ये पेटीएम के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है पेटीएम वॉलेट इनएक्टिवेट वाला, वो आपका फिक्स आउट हो जाने वाला है। तो चलिए गाइस मैं वीडियो शुरू करता हूं एंड आपको बताता हूं कैसे आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन करना है। बट इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के जस्ट बाद गाइस आपको करना है कि जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलता है सिंपल गाइस उस पर प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिएगा, क्योंकि गाइस आपके लिए ऐसे ऐसे हेल्पफुल कॉन्टेंट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपने पेटीएम को डिलीट करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेटीएम का लिंक मिल जाएगा तो आपको वहां से इंस्टॉल करना है लेटेस्ट वर्जन के साथ। अगर आप पेटीएम को डिलीट नहीं करना चाहते तो आप प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सर्च करना है पेटीएम, जस्ट गाइस पेटीएम में आपको अपडेट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पेटीएम को अपडेट करना है। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने लेटेस्ट वर्जन के साथ पेटीएम को अपडेट करके रखा हूँ। तो यहाँ पर क्या करूँगा, डायरेक्टली पेटीएम को ओपन करूँगा। जस्ट गाइस ओपन करने के साथ यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड गाइस आप वहाँ पर अपना पेटीएम के होम पेज पे आ जाएगा। इस होम पेज पे आ जाने के बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देख सकते हो आपको जो प्रोफाइल का आइकन मिल रहा है सिंपल गाइस आपको इस पे क्लिक करने के जस्ट बाद गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है 24/7 हेल्प एंड सपोर्ट। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको क्या करना है जस्ट इस पे क्लिक करना है। देन गाइस क्लिक करने के साथ यहाँ पे देखो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पेटीएम 24/7 हेल्प एंड सपोर्ट। तो आपको क्या करना है, आपका जो पेटीएम वॉलेट इनएक्टिवेट वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलेगा पेटीएम वॉलेट का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, पेटीएम वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो मैंने पेटीएम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया पेटीएम वॉलेट पे, तो आप यहाँ पे आ जाइएगा। आने के जस्ट बाद गाइस आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो चैट विथ अस। जस्ट गाइस क्या करना है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहता हूँ, क्लिक करने के साथ ही गाइस यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन लोडिंग होकर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट कर लेना, चैट लोड होने जाने के बाद गाइस आपके सामने एक मैसेज शो हो जाएगा, हाय आई एम योर पर्सनल पेटीएम असिस्टेंट। तो यहाँ पे देखो गाइस शो हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ पे नीचे जाएगा तो आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा माय वॉलेट इज शोइंग एज इनएक्टिव, क्योंकि गाइस आपका जो वॉलेट इनएक्टिवेट शो हो रहा है तो आपको वही प्रॉब्लम को यहाँ पे इनको लिख के भेजना। आप जैसे इनको लिख के भेजिएगा यहाँ पे गाइस पेटीएम कस्टमर केयर पे जाएगा एंड उधर से एक रिप्ले में चैट आएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का एक रिप्ले में चैट आएगा। देन गाइस चैट आ जाने के बाद आपको देखिए कुछ नहीं करना, जस्ट गाइस आपको एक यहाँ पे ब्लू कलर से आपको एक हेयर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको क्या करना है, हेयर वाले ऑप्शन पर जस्ट क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इस कुछ ऐड आएगा, यहाँ पे लोडिंग होगा एंड इसको स्किप करना। एंड गाइस आपको रीडायरेक्ट करेगा आपके ब्राउजर पे। एंड गाइस यहाँ पे गाइस बूम देख सकते हो आपके सामने क्या इंटरफेस आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर वॉलेट इज नाउ एक्टिव। तो यहाँ पे देखो आपका वॉलेट जो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, बट गाइस मैं बताता हूँ अभी ये वॉलेट जो है एक्टिवेट पूरी तरह से नहीं हुआ है, बट गाइस थोड़ा सा स्टेप बचा हुआ है जिसकी मदद से आप उसको करिएगा तब जाके आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाने वाला है। तो इसके लिए आपको वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए जस्ट बाद गाइस क्या करना है, आपको नीचे मिलेगा ऐड मनी टू वॉलेट, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन गाइस आप यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो गाइस आपको मिलता है पेटीएम बैलेंस, पेटीएम गिफ्ट वाउचर। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट गाइस आप यहाँ पे देखो एक ऐड मनी टू गिफ्ट वाउचर का ऑप्शन मिलता है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के जस्ट बाद गाइस आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऐड मनी टू, तो आपको यहाँ पे गिफ्ट वाउचर पे सिलेक्ट होगा। तो क्या करना है, आपको
एक्टिव इन वन सिंपल स्टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो फाइनली यहाँ पे आप पहुँच जाइएगा। पहुँच जाने के जस्ट बाद गाइस आप यहाँ पे देखो प्लीज सबमिट योर बेसिक डिटेल्स टू एक्टिवेट पेटीएम वॉलेट। तो आपको पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए आपको कुछ यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ता है, जिसमें से आप डिटेल्स में क्या दे सकते हो, जैसे कि आधार कार्ड, आप अपना पैन कार्ड से कर सकते हो, अपने पासपोर्ट आईडी से, अपना वोटर आईडी कार्ड से, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड। तो आपके पास इन सारे में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स है ना, तो आप इसको सबमिट करके अपने वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे मैं करने वाला हूँ पैन कार्ड से। तो यहाँ पे गाइस मैं पैन कार्ड को सेलेक्ट करूंगा एंड पैन कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है एंड यहाँ पे आपका जो फुल नेम है आपको वो डालना है। डालने के बाद गाइस इसका जो टर्म एंड कंडीशन होता है आपको एक्सेप्ट करना है एंड एक्टिवेट माई वॉलेट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे गाइस क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे डिटेल्स मांग रहा है वो फिलअप कर लेते हैं अपना, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना सारा डिटेल फिलअप कर लिया। फिलअप करने के बाद गाइस एक्टिवेट माई वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के जस्ट बाद गाइस आपको नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो मैंने फिलहाल सिक्योरिटी रीजन के कारण ब्लर कर दिया। एंड गाइस यहां पे देखो ओटीपी आ चुका है, तो आपको ओटीपी को यहां पे कॉपी करना है। एंड गाइस कॉपी नहीं होता तो आपको क्या करना है, ओटीपी देखकर आपको क्या करना है, ओटीपी यहां पे लिख देना है। तो यहां पे चलिए मैं अपना ओटीपी डालता हूं। डालने के बाद आप गाइस यहां पे देख हो पाओगे क्या होगा, मेरा वॉलेट जो है एक्टिवेट होता है कि नहीं, तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस देखो वॉलेट में यहाँ पे देखो जैसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद गाइस आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड गाइस यहाँ पे बूम देख सकते हो हमारा जो वॉलेट है सक्सेसफुली यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो वॉलेट एक्टिवेट हो चुका है एंड गाइस आपको इसमें पैसे ऐड करना है अपने वॉलेट में। तो पैसे कैसे ऐड करेगा, तो आप यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अमाउंट देखने को मिलेगा। तो क्या करना है, आपको यहाँ पे अमाउंट जितना भी पैसे वॉलेट में ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, अमाउंट से प्रोसेस टू ऐड पे क्लिक करते हैं एंड गाइस यहां पे देखो आपको ऐड करने का ऑप्शन भी आ रहा है। तो यहां पे देख सकते हो गाइस जो मेरा वॉलेट था बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप जान गए हो कैसे आप पेटीएम वॉलेट को जो आपका इनएक्टिवेट आ रहा है उसको एक्टिवेट कर सकते हो। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी एंड आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।